अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनानी स्कॉलर. माई सेल्फ डॉक्टर बुशरा अबरार, ब्यूमेस एमडी, इल्मुल अदविया. नाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर एंड प्रेजेंटेशन ऑन एनिमल ओरिजिन ड्रग्स अदविया हैवानिया. जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल ओरिजिन ड्रग्स अदविया हैवानिया, इसमें हम एक दवा आब्रेशम पढ़ चुके हैं. अब हम दूसरी दवा शुरू करने जा रहे हैं. हमारी दूसरी दवा है बीर बहुटी. बीर बहुटी का हैवानी नाम है थ्रोम्बिडियम ग्रैंडिसिमम. दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते चलें कि इसका जो ये हैवानी नाम है, अतिब हजरात में इसमें बड़ा इख्तलाफ रहा है. इसमें किसी किताब में आपको इसका हैवानी नाम मिलेगा डिक्टाइलोपिया स्कोकस, जो कि एक अलग ही इंसेक्ट है, वो बेर बहुटी नहीं है. किसी किताब में इसका नाम ओटीलिया ऑक्सीडेंटेलिस दिया है, जो कि ये कीड़ा नहीं है बल्कि वो रेड वेलवेट आंट्स का नाम होता है. अब बात करते हैं बेर बहुटी के मुतरादिफ नाम, यानी इसके वर्नाकुलर नेम्स क्या क्या हैं. दोस्तों, इसको रेड वेलवेट माइट भी कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, ये कितना खूबसूरत सा एक मखमली कीड़ा होता है, रेड कलर का होता है, इसलिए इसे रेड वेलवेट माइट कहते हैं. और इसे रेन बग भी कहते हैं. इसे रेन बग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बरसात में ही निकलता है ये कीड़ा. और इसका फारसी नाम किर्म अरूसक भी है. किर्म कहते हैं कीड़े को और अरूसक फारसी में कहते हैं गुड़िया को. तो शायद गुड़िया की खूबसूरती की वजह से इन दोनों की मुशाबहत करते हुए इसे ये नाम दिया गया है किर्म अरूसक. और अरबी में इसे कागना भी कहते हैं. किर्म मखमल भी कहा जाता है, यानी मखमल का कीड़ा. और इसे दूदुल मतर भी कहते हैं. दूध कहते हैं कीड़े को और मतर आता है बारिश के मायने में, यानी बारिश का कीड़ा. दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी इसकी माहियत क्या है. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस तस्वीर में, ये बेर बहुटी है. ये एक नहायत खूबसूरत सा सुर्ख रंग का छोटा सा मखमली कीड़ा होता है, जो बहुत ज़्यादा नर्म मुलायम होता है. और ये शुरू बरसात के मौसम में जुलाई अगस्त में ये निकलता है. ये मुश्किल से 10-15 दिन ही दिखाई देता है, फिर वापस ये मिट्टी में चला जाता है. ये 6 to 8 mm लॉन्ग होता है और इसके 8 पैर होते हैं. ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे मकड़ी की तरह लगता है. ये मकड़ी के ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखता है. ये हम बात करते हैं इसके मिजाज, यानी इस दवा का टेम्परामेंट क्या है. इसका टेम्परामेंट है हॉट एंड ड्राई 3rd degree, यानी ये गर्म खुश्क है 3rd दर्जे में. जैसा कि आप लोग कुलियाती अदविया में पढ़ रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा कि जो दवाएं 3rd या 4th दर्जे की होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनसे साइड इफ़ेक्ट यानी तासरात जानबी असरात पैदा होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं. इसलिए जो 3rd और 4th दर्जे की दवाएँ होती हैं, उनको अक्सर मुदब्बर करके ही इस्तेमाल किया जाता है. मुदब्बर, दोस्तों आप लोग ये सैदला में इसकी डिटेल काफ़ी अच्छी तरह पढ़ेंगे. हर दवा का मुदब्बर करने का एक अपना अलग तरीका होता है. मुदब्बर में दवा को मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजारा जाता है, जिसके बाद दवा ज़्यादा सेफ और इफ़ेक्टिव हो जाती है. और इससे मरीज़ को काफ़ी हद तक दवा से पैदा होने वाले मुज़िर असरात से बचाया जा सकता है. तो अब बात करते हैं इसके अफ़ाल, यानी इस दवा के एक्शंस क्या क्या हैं. बेर बहुटी को ज़्यादातर बैरूनी तौर पर यानी एक्सटर्नली यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसको तिला या रोगन की फॉर्म में हम इस्तेमाल कराते हैं. इंटरनली इसका इस्तेमाल कम होता है. बेर बहुटी के एक्शंस हैं मुकव्वेबा, मुहर्रिकेबा, मौलिदेमनी, मुगल्लिजेमनी, मुकव्वे आसाब. इसका जो मेन एक्शन है, ये है मुकव्वेबा, यानी ये सेक्शुअल पावर को इंक्रीज़ करती है और जो सेक्शुअल ऑर्गन है उसको टोन अप करती है. ये कई तरह से अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है. ये जो नर्व्स को स्टिमुलेट करती है, सीमन को विस्कस करती है, यानी इसकी विस्कोसिटी को बढ़ाती है. मुगल्लिजेमनी है ये. और ये मौलिदे मनी है, यानी सीमन के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करती है ये. और ये दवा मुकव्वे आसाब भी है, यानी ये जो नर्व्स होते हैं उनको टोन अप करती है, जिसके नतीजे में जो नर्व्स के फंक्शन होते हैं ये उसको इम्प्रूव करती है और स्ट्रॉन्ग करती है. अब बात करते हैं इसके यूजेस, यानी इस्तेमालात. इस दवा को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं.
जैसा कि अभी हमने इसके एक्शंस में बताया कि ये मुकव्वी बा है इसका मेन एक्शन, तो इसलिए हम इसको ज़ोफ़े बा में, क़िल्लत मनी, रिक़त मनी, सूरत तंज़ाल यानी प्री मेच्योर इजैकुलेशन में, इन सब में इस्तेमाल कराएंगे। और इसके अमराज़ बारदा व बलगमिया में इस्तेमाल कराते हैं। अभी अमराज़ बारदा व बलगमिया कौन से हैं, तो इसमें आता है फालिज, लकवा, राशा, वजल मुफासिल, ज़ेखुन नफ्स वगैरह, इन सब में इसको लोकली हम इस्तेमाल कराते हैं। और चेचक यानी चिकन पॉक्स में हम इसका इंटरनल इस्तेमाल कराते हैं। ये बच्चों को खिलाया जाता है आधा से एक अदद, और इसका रोगन भी बदन पे लगाया जाता है क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, तो इसलिए जो इसके चेचक के दाने होते हैं वो जल्दी बाहर नमूदार हो जाते हैं। बात करते हैं मकदार ख़ुराक यानी इसका डोज़ क्या है। जैसा कि अभी हमने बताया कि इसकी मकदार ख़ुराक जैसे जैसे चेचक में इस्तेमाल कराते हैं आधे से एक अदद में, और ज़्यादातर इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जितनी इसे ज़रूरत होगी जिस ऑर्गन पे हमें यूज़ करना है उसके हिसाब से हम हस्ब ज़रूरत इसका रोगन इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं इसके कीमियावी अज्जा यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इस कीड़े में कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें होता है प्रोटीन है, फैटी एसिड होता है, इसमें मैग्नीज होता है। अब बात करते हैं मुजिर यानी एडवर्स इफ़ेक्ट, इससे क्या हो सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए जो हैड हॉट टेम्परामेंट के पर्सनस होते हैं, गर्म मिजाज के अशखास होते हैं, उनमें इससे मुजिर असर ज़्यादा पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें इस्तेमाल कराने से बचाना चाहिए जो गर्म मिजाज के अशखास होते हैं। यूनानी में जिस तरह से दवाओं की मिजाज की दर्जाबंदी की गई है, इसी तरह से जो इंसान होते हैं उनको भी अलग अलग चार कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, कुछ हार मिजाज के होते हैं, कुछ बारिद मिजाज। अभी हार और बारिद मिजाज में कौन कौन से आते हैं, हार मिजाज में आते हैं जो सफ़रवी मिजाज के लोग होते हैं, दमवी मिजाज के, बारिद में जो बलगमी मिजाज के लोग होते हैं। इस तरह से मिजाज का ध्यान रखना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं मुसले यानी करेक्टिव्स। इसका मुसले है रोगन और शहद। अब मुसले किस दवा को कहते हैं, मुसले किसी भी ऐसी दवा या किसी भी शय को कह सकते हैं जो किसी दूसरी दवा के मुज़िर असर को या तो अपनी मिजाजी कैफियत की वजह से या जो अपने एक्शंस की वजह से उसके मुज़िर असर को दूर करते हैं, वो दवाएं मुसले कहलाती है। अब आते हैं इसके मशहूर मुरक्कब। रोगन बेर बहूटी से बहुत ही मशहूर मुरक्कब बनाया जाता है यूनानी में, रोगन बेर बहूटी, और इससे कई तिला भी बनाए जाते हैं, जैसे तिलाए जदीद है, तिलाए खासुल खास भी आता है इसका, और हिमालय में इसका एक जल बनाया जाता है हिमकोली नाम से। देखिए ये रोगन बेर बहूटी। शुक्रिया दोस्तों, ये थी बेर बहूटी के बारे में, जितना आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के ज़रूरी है, उतनी मैंने यह इन्फॉर्मेशन आपको दी है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम लोग को काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है और हम आगे भी आपके लिए इस तरह काम करते रहें, इसलिए लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।